अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सांस बहुत फूली हुई, व्लॉग बन रहा है और हमारे ऐसे काम होते हैं कि सब हमें ही करना होता है, व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो गाड़ी के हमने दरवाजे खोल दिए हैं, सब कुछ अपलोड कर अपलोड बोल रही हूँ, गाड़ी में रख रहा हूँ सामान। देखो और मम्मा देखो, तो अब बारी बारी टैची लेके चलते हैं। लाइट आई है लगता है, तो ये मुँह तक भर गई है गाड़ी। हम यहाँ से भी देख रास्ते बंद कर दिए और हम निकल पड़े हैं। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? मम्मा के शूज़ दिए थे वो लेने, मेरी एक भी सैंगलें शादी में पहनने, शादी में मुंह से निकल गया, शादी चलो निकल गया, सैंगलें शादी में पहनने के लिए जो थी वो रख दी हैं, लेकिन होम बेसिस और रेगुलर बेसिस के लिए कोई चप्पल कोई शूज़ कुछ भी नहीं, क्योंकि जगह भी नहीं थी और टाइम भी नहीं था कि उठाओ। तो अब मुझे न्यू लेना है, तो वो लेते हुए निकलूँगी। जहाँ से आप सबके आते हैं वहीं पर मैंने कहा ये डिज़ाइन अलग कर दो, ये साइज़ अलग कर दो, बस जाना है शॉपर उठाने और निकलना ही नहीं। मैं इतनी ईजी लाइफ नहीं है मेरी, तुम्हारे तो ईजी है, मेरी मोची के पास है, मोची के पास है, इनकी जूती मोची के पास है और रास्ता बंद है। तो अब खैर खैरियत हम पहुँच जाए बता नहीं सकते, मोची को भी ढूंढना पड़ता है, देख रहे हो। तो हर तरह से तो एकदम रास्ते बंद किए हुए, रॉन्ग वे लोग बेचारे आना शुरू हो चुके हैं। वोट बन रहे हैं, अरे है इलेक्शन होने वाले हैं। हो गए, कौन जीता पता नहीं, पीटीआई या पकड़ा तो है। अच्छा ये देख ले, ट्रैफिक देखो यार, शुक्र है हम निकल चुके हैं, बहुत शुक्र है। अब बहुत जल्दी निकले हैं और अभी भी हमें इतने काम है, इतने काम है, इतने काम है जो हम नहीं बता सकते। तो लॉक खोल लिया, मम्मा पर्स में से पैसे निकालेंगे और जाएंगे मोची के पास, क्योंकि आई हैव नो चेंज। ये मेरी माँ ही तैची ना गिरे, बाकी सब गिर जाए। ओए दरवाजे भी बंद नहीं हो रहे। अम्मा के टशन चेक करो, सन ग्लासेस चाशेस। हाथों की कंडीशन देखो, ड्राइनेस इतनी हुई हुई है, ऊपर से नाखून भी अलग बच रहे हैं। खैर अब जल्दी 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 पहुँचे। तो मम्मा ले, ओए ओए इसको तो उठाओ। ये है तो मम्मा के जूते फाइनली सिल चुके हैं, बड़े पुराने जूते हैं बट ये छोड़ती नहीं है इनकी जान। चलो अब हम यहाँ से भी निकल चुके हैं और अब सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, वहाँ से भी जूते उठा के डालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से शूज़ उठा लिए लेकिन व्लॉग नहीं बनाया। सो एक दो और एक और तीन शूज़ हमने लिए हैं, अब हम चल पड़े। जब भी आप कराची में निकले और ट्रैफिक ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। दुनिया जहाँ के रोड इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी, इनके पीछे पीछे हम चलते तो मे भी रास्ता मिले, क्योंकि एम्बुलेंस को तो वैसे ही रास्ता नहीं चाहिए। और लाइन अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये लंबी लाइनें चल रही हैं। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं और 3:40 हो चुके हैं। जल्दी 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 फाइनली हम पहुंच गए, फाइनली ये आ गए। आवाज आवाज चेक करो, जन्नत का हमारा सामान उठ चुका है और मजीद लोग हो रहे, और इत्तेफाक ये है कि सबका डब्बा एक ही हो गया। जरूरी नहीं कि आप कूली करवाओ, सारा सामान उसी को दो। दो कूली करवाए हुए हैं और यकीन करें ये भी थैले इन्होंने मेरे हाथ से पकड़े, वरना मैंने कहा था भैया आप बड़ी बड़ी चीज़ उठाओ, मैं उठा रही हूँ। और ये कंबल इनसे गिर गया था तो मैंने कहा मैं उठा लेती हूँ, और सांस फुल ऑन फुल है। बस हम लोग अपनी ट्रेन में पहुँच रहे हैं। सो यहाँ पे अभी सब बैठ चुके थे और सब ने ये कहा था कि यार थोड़ी सांसें ले लें फिर करते हैं, क्योंकि 3, 6, 9, 15 तकरीबन हमारी सीटें थी और डब्बे भरे हुए थे जितना हम लोग का सामान था शादी की वजह से।
तो हम लोग का सफ़र शुरू हो चुका था कि उससे मेरी भतीजी है और ये ट्रेन चल पड़ी है। मैंने कहा आप लोग को थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाऊं, उसके बाद आ गए हमारे एक लगा दो आइए कंटिन्यू कल की लकड़ी की गाड़ी, लकड़ी का घोड़ा जो ना नाचे वो हमने नाचते बोले बब्बा इतनी निकलते आप ही ने नाचने के लिए अपना आप खड़ा कर लिया। बोलती मैं आज मैं सिर्फ नाचूंगी तो बंद कर दो, ये वाला नहीं किएगा। कौन सा? अबे आनंद भाई लोग कुल्फी बन जाएगी तो बता। अभी मेहंदी ओनली मेहंदी चांदी लगा रहा हाँ चांदी नजर आ रहा यार ये शीशे की बंद करो ना तो लोहे की बंद कर दे। अभी थोड़ा खाना खा ये हालात है अपनी भी नहीं खा रहे हमारे आधे परसेंट दूसरे डब्बे में है वहाँ से उनको छेड़े जा रहे चिकन का बनाओ हमारा मटर हाँ बेटा हाँ खाना अच्छा अच्छा ध्यान में सब दे रही हूँ सब पहले इन बने चुप चुप रहा नाचे इसके बाद ये खाना टाइम था और कबाबों की कंडीशन देखें ये मैंने नहीं मेरी कज़न ने बनाए थे बल्कि कज़न ने बना के रखे थे उनके हस्बैंड ने शेप्स देके इसको जो है फ्राई किया बट शेप्स भी बहुत वीआईपी थी वो आपको दिख रही थी। अब ये सोते वक्त का थोड़ा आप लोगों को सुनाते हैं हमारे साथ हो क्या रहा था। वो ये रहा था कि हम लेट चुके तो मेरे कज़न को जो है ना भतीजा ही कह लें कज़न का बेटा अब इसको वो था कि आप ही यार हम लोग सोते सोते ही ना रह जाएं कहीं से हवा नहीं आ रही और ये नीचे छोटी छोटी के हमने बिस्तर किए थे एक डब्बा भर चुका था दूसरा डब्बा भी भर चुका था तीसरे डब्बे में हमने मामों वगैरह को डाल दिया था। अब इस नवाब साहब को लग रही थी सर्दी और ये मांग रहे थे मज़ीद कंबल और मैंने अपने कंबल इस समय बिछाए थे कि आपको शोर है एक कंबल उसके ऊपर एक और कंबल फिर मैंने अपर करके इसको लिया मैं मेरे दो भतीजे और एक और हम चार मतलब दो उस बर्थ के ऊपर थे दो मेरी बर्थ के ऊपर थे और एक हमारे वो सामने वाले यानी हम पाँच लोग ऊपर थे बाकी सब नीचे फुल ऑन फुल थे। इसके बाद भी सब तो हो रही है हमारी गुड नाइट और इस पास का चेहरा देखा लगे तो बता दे। वो कह रहा ऑक्सीजन नहीं आ रहा नहीं ये कह रहा है ऑक्सीजन नहीं आ रहा कंटिन्यू था वंस बोल दोबारा बोल बस शुजा कह रहे सफर में पंखे खुलवा रहा हूँ मैं लेट चुकी हूँ ये और सर्दी भी हो गई है बुढ़िया हमने चढ़ा ली जूते शूते। तो ये मैं आप लोगों को ट्रेन के बाहर का व्यू दिखा रही थी कि किस तरह से है और फैमिली के साथ जब आप सफ़र करते तो वो यादगार सफ़र रहता है दरवाज़ा खोल के देखना था और ये दरवाज़ा मैं जाके खोलने की कर रही थी कि बाहर देखूं पर मैंने कहा अभी बहुत शोर है थोड़ी देर बाद आती किसी कज़न वज़न का आसरा लेके पता लगे बाहर ही गिर जाऊँ। तो ये सुबह हो चुकी थी और ये हमारे नल्ले नल्ले सुबह उठ चुके थे मैं सबसे पहले उठी थी नहीं। सो सारा व्लॉग तो मैंने आपको ओरिजिनल वॉइस में दिया अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था तो मैंने कहा बाहर को आके थोड़ा सा व्यू आपको दिखा दूँ ट्रेन का गेट खोल के हालांकि पीछे कज़न खड़ा किया हुआ मैंने यार लुढ़क उड़क गई गिर विर गई तो खींच लियो हालांकि उसे पीछे से मुझे पकड़ा पता कहीं नहीं जाती थोड़ी सी वीडियो बना ले थोड़ी टिकटॉक शिकटॉक बनानी थी ना खैर ये बना बुनूँ कि हम गए अपनी डेस्टिनेशन पर दोबारा। फिर मैंने दरवाज़ा गेंद खोला और बाहर झांकियाँ मारी मुझे ऐसा लगता था कि लोग
फाइनली हम पहुंच चुके हैं, है ना, पहुंच चुके हैं। कहाँ है दानी? मामा आ रहे तो पिछली मम्मा और भाई की मुलाकात 6 महीने बाद, इसके बाद ये भाई ये गोदों में दोनों चढ़ गई, फिर हम लोग का सामान उतरना शुरू हुआ और मैं आपको अगेन रियल वॉइस दिखाती हूँ। तो फाइनली अराइव्ड ऑन स्टेशन और सामान देखो बस, और अपराध देखो। ओए माँ भी है। आ रहे आप ही? ये हमारी जलालत वीडियो में रिकॉर्ड कर नहीं पकड़ा जा रहा ना उनसे। ओए ओए, तो ये एक ट्रक अलग मंगवाया गया था जिसमें हम सब का सामान डाला जा रहा था और एक के बाद एक फेंका जा रहा था। फिर हम लोग चले भाई घर की डेस्टिनेशन के लिए, जिन 3 गाड़ियाँ थी अलग अलग और सब अलग अलग बैठे। तो ये लाहौर का व्यू जो लोग गए हैं उनको भी मुबारक, जो नहीं देखे उनको भी मुबारक। हम चले जी मुन्ने। तो ये मम्मा आके लेटी थी और भैया जी है छुप छुप आके मम्मा के लिए गिफ्ट लाया था। एक ही बात कर रहा था, यार कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो। तो मैंने कहा नहीं, हम तो कैमरे के सामने देखेंगे कि क्या दिया, कैसे दिया, कितना अच्छा दिया। मम्मा की हंसी बंद नहीं हो रही थी। आफ्टर 6 मंथ के करीब मम्मा मिली है, 6 मंथ के बाद। तो ये मैं गिफ्ट पैकिंग ओपन कर रही थी जो कि मुझसे ओपन ही नहीं हो रहा था, हर तरीके से लगी लुगिया वो कहता ऐसे नहीं। मैं चाह रही थी कि गिफ्ट पेपर जो है सेव कर लूँ, बट नहीं हो सका ना, मसला ये था। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ और अंदर से उसने मम्मा के लिए निकाला है, मतलब गिफ्ट लिया है, लिपस्टिक का बॉक्स। तब आप लोग देखो, सिर्फ और सिर्फ देखो। और ये जो बैकग्राउंड पे जितना हंस रहे हैं ना, इनको इग्नोर करो, क्योंकि जहाँ भी जाके आप वॉइस का मेकओवर करो, कुछ भी करो, हर कमरे में कोई ना कोई भरा हुआ है, हर कमरे में कोई ना कोई भरा हुआ है। तो खैर ये बाहर आ ही नहीं रहा था, मम्मा मुझसे ज़्यादा जज्बाती। तो हमने निकाला जल्दी 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 जल्दी, और ये बॉक्स अब कहाँ से कैसे ओपन होगा ये समझ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था पेंडू आए हैं, पेंडू। तो खैर हमने दिमाग लगाया और खैर हमने बॉक्स खोल लिया। सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा।